आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इफ वी फिक्स वन कार्बन एंड रोटेट द अदर कार्बन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस रोटेशन इज परमिटेड। ये रोटेशन अलाउड है, रोटेशन परमिटेड है। इस रोटेशन से क्या होता है, दिस रोटेशन रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशल मीन्स रिलेटेड टू स्पेस। That means it results in different special arrangements of atoms in space, which can change into one another. जो change हो सकते हैं into one another. These special arrangements of atoms, which can be converted into one another by rotation around carbon-carbon single bond, are known as conformations or conformers or rotamers. Let me repeat again. मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर हम एक कार्बन जो दो कार्बन अल्केन्स में जो होते हैं लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, अगर हम एक कार्बन को फिक्स करेंगे दूसरे को रोटेट करेंगे अराउंड द कार्बन कार्बन या अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस आर पॉसिबल। दीज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। दीज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर by rotation about carbon-carbon single bond are known as conformations or conformers or rotamers. Alkenes जो होते हैं they can show infinite number of conformations. अल्केन्स शो करेंगे इनफिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन आर कन्फॉर्मर्स बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन रोटेशन से बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन वहां पर जनरेट हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर हम रोटेट करेंगे अराउंड अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो ये देखा गया कि दिस रोटेशन इज नॉट कंप्लीटली फ्री, ये कंप्लीटली फ्री नहीं है बिकॉज देर इज सम एनर्जी बैरियर विच यहां पर एक कुछ एनर्जी बैरियर होता है 1 to 20 किलो जूल्स पर मोल ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरैक्शंस बिटवीन adjacent carbon hydrogen bonds, adjacent carbon hydrogen bonds. This repulsive interaction actually this energy barrier this hinders this rotation. Therefore we can say that this rotation about carbon carbon single bond is not completely free, it is hindered by the small energy barrier of 1 to 20 kilojoules per mole. This energy barrier is because of the repulsive interactions between adjacent carbon hydrogen bonds. So in short we can say that the rotation about carbon carbon single bond is not completely free, it suffers some hindrance. Ab is जो ये रिपल्स इंट्रैक्शन होती है रिपल्स बिटवीन एडजेसेंट कार्बन कार्बन रिपल्स इंट्रैक्शन बिटवीन एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस रिपल्स इंट्रैक्शन इज नोन एज टॉर्शनल
स्ट्रेन बोलते हैं इसको, टॉर्शन स्ट्रेन, टॉर्शन स्ट्रेन बोलते हैं इसको, टॉर्शनल स्ट्रेन. Now we can take the example of to understand these conformations. We can take the example of ethane. This is C. There are two carbons, and each carbon is attached to three hydrogens. This is so. एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के कन्फॉर्मेशन. एग्जाम्पल के लिए कन्फॉर्मेशन इथेन, इथेन में अभी हमने बोला इथेन हैज टू कार्बन्स लिंक्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड एंड ईच कार्बन इज अटैच्ड टू थ्री हाइड्रोजन्स. हर एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं. अगर हम लेंगे ये बॉल एंड स्टिक मॉडल, अब लेंगे हम इफ विल टेक दैट help of ball and stick model. यहां पर stick से बांड दिखाते हैं हम और balls से हम balls show balls यहां पर atoms होते हैं balls. Atoms को हम balls से दिखाते हैं और बांड को हम दिखाते हैं stick से. इसको बोलते हैं ball and stick model. अगर हम ऐसे लीजिए फिर हम क्या करेंगे, अगर हम एक कार्बन यहां पर फिक्स करेंगे, एक कार्बन को हम करेंगे फिक्स और दूसरे को एक कार्बन को स्टेशन रखेंगे एक कार्बन को, दूसरे कार्बन को हम रोटेट करें अराउंड द कार्बन कार्बन एक्सिस, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. यानी एक को यहां पर स्टेशनरी, दूसरा रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे दूसरा. उससे क्या होगा, वी विल गेट इन्फिनिट नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिलेंगे of atoms in space. We will get infinite number of special arrangement of atoms which can be converted into one another. इनको हम एक उसमें convert कर सकते हैं. These are, in short, we can say that we can get infinite number of conformations of ether, or we can get infinite number of conformers or rotamers of ether. So out of these infinite number of conformational isomers of ethane, the two extreme cases are, दो extreme cases है वहां पर. One is known as eclipsed conformation. ये दो एक्सट्रीम केस हैं, eclipsed conformation. The second one is known as staggered conformation. So these, out of the infinite number of conformation isomers of ethane, we have in out of these infinite number of arrangements. Possible arrangements. There are two extreme cases. One is known as eclipsed conformation, and other is known as staggered conformation. इनके बीच में जो भी आती है, all the other conformations, यानी इन दो को छोड़ के जो भी conformation आती है इनके अंदर बीच में, उनको हम बोलते हैं CQ. उन सबों को बोलते हैं CQ conformations. ये CQ conformations. उनको बोलते हैं CQ conformations. अब यहां पर ये जो इक्लिप्सिड कंफर्मेशन है, इन दिस अरेंजमेंट, इन इक्लिप्सिड कंफर्मेशन द हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड टू कार्बन्स, यानी जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अटैच टू द टू कार्बन एटम्स आर क्लोज्ड, इसमें ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड टुगेदर एज पॉसिबल. In eclipsed conformation, the hydrogen atoms attached to two carbon atoms. These hydrogen atoms जो होते हैं attached to two carbon atoms, these are closer together as possible in eclipsed conformation. Or in staggered conformation, these hydrogen atoms
attached to two core atoms or far apart from each other. Far apart from each other as possible. इसमें ये बिल नजदीक होते हैं, जितना पॉसिबल होता है नजदीक उतने नजदीक होते हैं. यहां पर ये दूर होते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतना दूर होते हैं यहां पर ये इस स्टेगर में. सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इक्लिप्सिड में हाइड्रोजन एटम जो अटैच होते हैं दो कार्बन को, दे आर क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल. और इसमें स्टेगर्ड कंफर्मेशन में वो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अटैच टू टू कार्बन, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. हर एक कंफर्मेशन में, हर एक कंफर्मेशन में बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो होती है रिमेन द सेम, ये सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते. कोई भी कंफर्मेशन हो, स्टेगर्ड हो, इक्लिप्सिड हो, सिक्यू हो, हर एक में जो बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड एंगल और जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ ये रहती है सेम. अब इन दो में से जो ये एक्सट्रीम केस है इक्लिप्सिड और ये इक्लिप्सिड और दिस स्टेगर्ड में, इनमें जो स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड कंफर्मेशन, स्टेगर्ड जो कंफर्मेशन है स्टेगर्ड, इट इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल, स्टेबल देन इक्लिप्सिड. इक्लिप्सिड से ये ज्यादा स्टेबल है स्टेगर्ड कंफर्मेशन, इक्लिप्सिड कंफर्मेशन से ज्यादा. क्योंकि यहां पर आप देखते हो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ सी एच बॉन्ड जो होते हैं स्टेगर्ड में, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ सी एच बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि आपको यहां पर पढ़ा कि यहां पर हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, दे आर क्लोज टूगेदर एज पॉसिबल. इसका मतलब है ये इक्लिप्सिड में और स्टेगर्ड में दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब है इन स्टेगर्ड दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और फार अपार्ट एज पॉसिबल. सो इसका मतलब है देयर इज मिनिमम रिपल्शन, यहां पर मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा यहां पर, मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल. सो मिनिमम रिपल्शन मीन्स, मिनिमम रिपल्शन मीन्स मिनिमम एनर्जी and maximum stability. So staggered configuration, staggered conformation क्यों more stabilized as compared to eclipsed? क्योंकि यहाँ पर जो electron clouds of carbon hydrogen bonds हैं, वो एक दूसरे बिल्कुल दूर होते हैं. दूर होने से क्या मतलब होगा? वहाँ पर होगा minimum repulsion, repulsive force बिल्कुल कम होगा वहाँ पर, और minimum repulsion minimum energy, वहाँ पर energy कम होगी और stability ज़्यादा होगी. यहां पर इसी हमको बोलते हैं, इसको जो ये रिपल्सिव इंटरेक्शन यहां पर होती है बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसी को हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं उसको, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसको बोलते हैं. जो यहां पर ये रिपल्सिव इंटरेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स व्हिच इफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन, जो इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कंफर्मेशन को, इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है टॉर्शनल strain. This torsional is the magnitude of this torsional strain depends upon the angle of rotation about carbon-carbon bond. That means जो torsional strain का magnitude होता है ये कितना होगा, it depends upon the angle of rotation पे depend करता है. That angle is known as dihedral angle बोलते हैं उसको. उस angle of rotation को बोलते हैं हम dihedral angle बोलते हैं उसको, जिस पे torsional strain का magnitude depend करता है. So अब यहाँ पर हम देखेंगे staggered configuration में जो torsional strain है staggered में that is least, और इक्लिप्सिड में ये ज्यादा है. दैट मींस रिपल्सिव अट्रैक्शन इज इक्लिप्सिड में ज्यादा है और स्टेगर्ड में ये कम है. दैट मींस ऐसे भी हम बोल सकते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन जो स्टेगर्ड में दैट इज लेस एज कंपेयर टू इक्लिप्सिड, उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है बिकॉज ऑफ दैट रीजन.
staggered is more stable as compared to the eclipsed conformation. The difference of energy between these two, in mein jo difference of energy hai, staggered mein aur eclipsed mein, that is 12.5 kilojoules per mole. Ye mein energy difference hoti hai. Energy difference hoti hai itni staggered aur eclipsed mein. Ab ye possible nahi hai. Ye possible nahi hai to separate and isolate different conformational isomers of ethane. Yani ethane ke bahut sare conformational isomers hai. उनको अलग करना या सेपरेट करना ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस वाज कन्फॉर्मेशंस ऑफ अल्केन्स. हमने यहाँ पर एग्जांपल कोड किए कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन. सो इथेन के कन्फॉर्म बहुत सारी इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ इथेन. सो आउट ऑफ दिस टू देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस. आउट ऑफ दिस इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस. Staggered and eclipsed. Out of these two, staggered and eclipsed, staggered is more stable because that has less torsional strength. What is torsional strength? That is the repulsive interaction between the electron products of the carbon hydrogen bonds. So this was about conformations of alkanes. Okay, thanks.